गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल मैथाचार्य विशिष्ट। आज हम रेशोस के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको जैसे मेरी पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती, मतलब रेशो कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें रेशो यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई है, और एक क्वेश्चन मैंने लिया है जहाँ पे वैल्यू जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आई है। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ए रेशो बी रेशो सी कैसे हमने निकालना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c। इसका पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर करूंगी, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ ये वैल्यूज हमें दे रखी है और हमने फाइंड क्या करना है, a रेशो बी रेशो सी हमें फाइंड करना है। तो हमने करना क्या है बेटा, देखिए अब यहाँ पे है 3a। जब हम 3a लिखते हैं तो अगर एक सिंगल a की वैल्यू हमें चाहिए, सिंगल a की वैल्यू, अब यहाँ ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको इतना तो पता होगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इतना तो वैल्यू आपको पता होगा कि इज इक्वल टू के एक तरफ जो भी ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा होता है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ उससे उल्टा ऑपरेशन ऑपरेट होता है। मतलब अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो उधर जाके ये वैल्यू जो है डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी, डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे वैल्यू को, 1/3। बी कैसे हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1/4 और सी हो जाएगा आपका 1/5। जब भी इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें वैल्यूज दी जाती है तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होता है, इसका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, है ना। जब भी आप निकालने बैठेंगे एलसीएम 3, 4 और 5 का, तो एलसीएम आएगा आपका 60। तो 60 एलसीएम अगर है तो आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू कितना करें कि 60 आ जाए, 3 इंटू 20 से 60 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेशो बन जाएगा 20, 4 15 जार 60 होता है और ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 5 12 जार 60 होता है तो ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा जो रेशो है वो ए बी सी का रेशो कितना आ जाएगा, 20:15:12। ठीक है, ये तो है इसका बेसिक मेथड इसको सॉल्व करने का। लेकिन दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे 3a 4b 5c एक दूसरे के बराबर दिए गए, तो यहाँ से अगर मुझे a का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिए, आप a की वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। b और c की मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 20। b की वैल्यू चाहिए तो आप b को छोड़िए a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ गया 15। और अब c का वैल्यू चाहिए तो c को छोड़िए और a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा आपका रेशो 12। तो इस तरह से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये ईजी मैथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस तरह की रेशो को निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, घूम फिर के वही बात आ गई, फ्रैक्शन। इसको बेटा हमने फ्रैक्शन बनाया था, ठीक है ना, इसको हमने फ्रैक्शन बनाया और ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, 1/2 वैल्यू दे रखा है, ये 1/3 वैल्यू दे रखा है, ये 1/6 है। ठीक है, तो अब क्या ए बी सी हमें निकालना है। ए बी सी निकालने के लिए हमने क्या करना है, वही सेम 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही होता है। तो 2, 3 जार 6, यहाँ 3 रेशो आ गई, 3, 2 जार यहाँ 2 रेशो आ गई और यहाँ 1 आ गई। ये आ गई हमारी ए से
बी और बी से सी का रेशो। अब ऐसे ही अगर दूसरे मेथड से मैं इसको सॉल्व करूं तो दूसरे मेथड से क्या करना, अल्टीमेटली क्या होगा, ये अल्टीमेटली इसको कैसे लिखा होगा, 2a, जैसे इस तरह से इस फॉर्म में भी हम इसको ला सकते हैं, 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 6c, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रैक्शन कैसे निकाली, फ्रैक्शन कैसे ली जाती है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवीजन में आ जाएगी, अगर डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो इसको भी सेम ही मेथड है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही मेथड है। इसको हम क्या करेंगे, ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। ए वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, बी का वैल्यू निकालने के लिए ए और सी को मल्टीप्लाई कर दिया, और सी का वैल्यू निकालने के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 6। अब आप कहेंगे पहले तो रेशो कुछ और आया था, अब रेशो कुछ और है, तो बात वही है कि आपको क्या करना है, एक ही नंबर से इनकी कटिंग हो जाएगी, तो 6 से इनकी कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, तो सेम ही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको मैंने अभी रेशोज़ जो मेनली पूछी जाती हैं, कैसे रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, एक्चुअल रेशो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं बताऊँगी आपको कि वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। कोई भी अमाउंट होता है आपके पास तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए से बी का रेशो बेटा दे रखा है 3:2 का। तो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि अपनी चीज़ों को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 5 हिस्से कैसे, मतलब रेशो का टोटल ही टोटल वैल्यू होता है, रेशो का सम ही टोटल वैल्यू होता है। 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 में से 3 हिस्से ए को दे दिए गए और 5 में से 2 हिस्से बी को दे दिए गए। अब हमें 100 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए और बी में। 100 रुपीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ लिखा 100। अब ए को कितना हिस्सा मिल रहा है, ए को जितनी रेशो है, ए का हिस्सा निकालने के लिए यहाँ मैं लिख देती हूँ एज शेयर, ए का हिस्सा निकालने के लिए ए की रेशो से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोस, मतलब 5 में से 3 हिस्से किसको जा रहे हैं, ए को जा रहे हैं। और बी का शेयर कैसे निकलेगा, बी शेयर कैसे निकाल सकते हैं, 100 × 2/5। बी को 5 में से कितने हिस्से मिल रहे हैं, बी को 5 में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो आप इनको काट के वैल्यू निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 40 और ये आएगा आपका 60, मतलब 100 रुपये में से 3 हिस्से जो हैं वो ए को चले गए और 2 हिस्से जो हैं वो बी को चले गए। जब बेटा आप बाद में ये 60 और 40 का रेशो निकालेंगे तो रेशो कितना निकलेगा हमें, तुम्हारा 3:2 का ही निकलेगा, चाहे निकाल के देख लीजिए। 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए सेम टेबल पे, तो 23:60 होता है, 22:40 होता है। तो यहाँ से आप रीचेक भी कर सकते हैं कि जो हमें रेशो दिया गया है क्या उसी रेशो में हमारा वैल्यू निकल के आया है। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ जो हैं, कोई भी अमाउंट अगर हमें दिया जाता है तो हम उनको शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस उठाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।